রবিবার দোল উৎসবে মেতে উঠলেন কলকাতার হিন্দিভাষী সম্প্রদায়ের মানুষ। উত্তর কলকাতার কুলডোরাঙ্গা দাসপাড়া শাহু সমাজের উদ্যোগে দেখা গেল নানা রঙের সমাহার। আবির, নাচ, গান, খাওয়া দাওয়া বাদ গেল না কিছুই। শাহু সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত এই দিনের দোল উৎসবে উপস্থিত ছিলেন সমাজের বহু বিশিষ্ট জনেরা। এছাড়াও কয়েক হাজার মানুষ এদিনেই দোল উৎসবে সামিল হন। আবিরের রঙে একে অপরকে রাঙিয়ে দিয়ে শুভেচ্ছা এবং শুভ্রাতৃত্বের বার্তা দিলেন সকলে। উদ্যোক্তাদের এহেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালো নাগরিক সমাজ। और बहुत ही अच्छे व्यवस्था से और अच्छी तरह से लग रही है और बहुत खुशहाल है, बहुत अच्छा है। हैप्पी होली। नहीं, सेकंड टाइम। मेरे को आके बहुत अच्छा लगा। साउथ समाज से ऑर्गेनाइज जो किया वो मेरे पापा है। मैं ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पाया हूँ अपने सहयोगियों के चलते। मेरे जो चार स्तंभ हैं, एक राहुल गुप्ता, एक सुनील कुमार गुप्ता, एक कैलाश नाथ साहु, एक राजेश गुप्ता, ये हमारे स्तंभ है। अगर ये नहीं होता तो ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ये लेडीज प्रोग्राम है, बच्चे भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं, तो पूरा सांस्कृतिक प्रोग्राम ही है ये। राधा और कृष्ण के ऊपर झांकी है, गाना है, विद फैमिली फेस्टिवल है। हम अपने तो भी हार्दिक बोलते, सब तो ही हार्दिक बोलते हैं होली मुबारक हो। कैसे लग रहा है? बहुत इंजॉय हो रहा है। हर बार सभी को इनवाइट किया जाता है और भी हम चाहते हैं कि और लोग आकर के जुड़ें, जुड़ करके आगे का प्रोग्राम हम लोग सफल बनाएं। आगे बहुत कुछ है, ब्लड डोनेशन कैंप है और कई कार्यक्रम हम लोगों का प्रोग्राम सेट किया हुआ है। अभी रजिस्टर्ड नहीं था इसलिए हम लोग थोड़ा सा चूक गए थे, अब रजिस्टर्ड हो गया है तो अब आगे का प्रोग्राम चलता रहे। और लोगों को जोड़ने के लिए हम लोग जाते हैं, बोलते हैं ताकि हो। ये लोग समाज ऐसा समाज है, साउथ समाज की पूरा समाज को लेकर चलते हैं। ये समाज बहुत अच्छा है, आगे भी ऐसा ही लोग करते रहेंगे। हमारे कमल जी हैं, बहुत पहले हमारे दोस्त यार हैं और साउथ समाज हमारे पाड़ा में। ये कमल जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो मतलब शरीर से लेकर धन से लेकर हर चीज़ से इनका योगदान कमल जी का है। ये प्रोग्राम में हर लोगों को बुलाते हैं, समाज के सौ समाज परिवार आए, खुशी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सब परिवार एक संग मिल रहे हैं और ऐसे तो हमारी बच्ची लोग नहीं जानती है कौन किसका परिवार है। ऐसे मिलने से क्या हम लोग को आगे बढ़ने का काम मिल रहा है। अब वाइफ भी आई है, बच्चे आए हैं, भाई आए हैं, सब आए हैं और हाँ पहली बार आए हैं। हम तो बोले नहीं आएंगे, फिर बोले संडे पड़ गया और देखे यहाँ आने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम तो हबड़ा सा রিপোর্ট চ্যানেল 10।